नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन कंप्यूटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो मतलब ये कि टैली में हम कैसे पेरोल बनाएंगे। मतलब जैसे क्या होता है कि कंपनी में, जैसे किसी कंपनी में काम करते हैं तो उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं कंपनी के, तो उनका क्या होता है कि हमको उनका पेरोल बनाना होता है। पेरोल बनाने का मतलब ये कि उनका डिटेल दिया होता है, उसे हमें एंट्री करनी होती है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, जैसे इसी प्रश्न में ले लीजिए, अनिल है, वो अकाउंटेंट है और उसकी बेसिक सैलरी है 15,000। डीए उसका कटता है 40%, ओवर टाइम अगर वो ओवर टाइम वर्क करता है तो 225 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से उसको अलग से पैसा मिलता है ना। एक होता है सीए, उसको 2200 रुपये है, और पीएफ उसका कटता है। पीएफ यहाँ पास कंप्यूटेड है, मतलब कंप्यूटर से कैलकुलेट करके उसका जो भी पीएफ निकलता है वो। तो आज हम पेरोल कैसे बनाते हैं और उसको एंट्री कैसे करेंगे, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए पहले मैं इस कंपनी को हटा देता हूँ। तो यहाँ पर अल्ट टैब थी और सेट कर दूँगा कंपनी को। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्रिएट कंपनी करूँगा और यहाँ से मैं पेरोल से के नाम से ही कंपनी बना लेता हूँ। पेरोल सिस्टम, एड्रेस डाल देता हूँ सेंट ऑफ साइंस। इंडिया, छत्तीसगढ़, 49500। मोबाइल नंबर 9 9340 6 7 3 2 8 9। तो यहाँ पास पेरोल हमने कंपनी क्रिएट कर लिया है। अब हम चलते हैं सेकंड थिंग, इसके फीचर्स के बारे में। तो इसका फीचर्स हमें यहाँ पास एनेबल करना पड़ेगा। तो इसके फीचर्स को हम दो तरीके से इनेबल कर सकते हैं, जिसमें पहला है F11 प्रेस करेंगे। तो मैं इसको बैक कर लेता हूँ और यहाँ पर F11 प्रेस करके फीचर्स में चलते हैं, अकाउंटिंग फीचर्स में चलते हैं पहले। और यहाँ पास देखते हैं, यहाँ मेंटेन पेरोल, इसे हमें यस कर देना है। और यूजिंग मेंटेन मोर देन वन पेरोल, इसे भी हमें यस कर देना है, बाकी हमें कुछ नहीं करना है। और यहाँ से बाहर आ जाते हैं। सेकेंड है हमारा स्टैचरी एंड टैक्सेशन, इसे भी हमें यहाँ पास एनेबल पेरोल, इसे भी हमें यस करना है यहाँ, और उसका डिटेल भी यस करना है। डिटेल हम जैसे ही यस करेंगे तो यहाँ पास कंपनी कोड होता है। तो अगर आपके पास कंपनी का डिटेल है और कंपनी का कोड है तो आप यहाँ पास डाल सकते हैं। हमारे इस ट्रांजेक्शन में नहीं है तो हम यहाँ नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, बाकी जो भी डिटेल होती है आप यहाँ पास अपना डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पास एक ऑप्शन मेन होता है यहाँ पास कि आप क्या कंपनी का जो पेरोल बनाते हैं क्या गवर्नमेंट है कि अदर्स है। तो हमारा कंपनी जो है गवर्नमेंट नहीं है, अदर्स के लिए है, तो हम अदर कर लिए यहाँ पास। और मैं यहाँ सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर फीचर्स क्या अनेबल कर लिए हैं। चूँकि अब हमारा फीचर्स अनेबल हो चुका है तो हम क्या करते हैं, कंपनी पेरोल इन्फो में जाते हैं। तो बैक करके मैं यहाँ पर पेरोल इन्फो में चलता हूँ और एक क्रम से हमें सारी चीज़ों को यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए पेरोल कैटेगरीज दिए हैं। तो चूँकि हमारे ट्रांजेक्शन में कैटेगरी नहीं दिया है, जैसे यहाँ पास दिया हुआ है नेम है, ग्रुप है, बेसिक है, डी ए, ओवर टाइम है, सी ए, पीएफ है ना। तो यहाँ पास कैटेगरी नहीं दिया है तो हम इसको एम्प्लॉय कैटेगरीज नहीं बनाएंगे। अगर कैटेगरी दिया होता तो हम यहाँ पास एम्प्लॉयज़ कैटेगरी बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा सेकेंड है ऑप्शन से है एम्प्लॉय ग्रुप्स, हम इसमें चलते हैं और क्रिएट करते हैं यहाँ से। अब क्या क्या कैटेगरी है, अकाउंटेंट का है,
अकाउंट प्राइमरी सेकेंड है हमारा सेल्स सेल्स है देख लेते हैं बस ग्रुप में क्या अकाउंट है सेल्स है मार्केटिंग है। अब हम सेल्स कर देते हैं तो प्राइमरी रहने देते हैं और यहाँ डिफाइन नहीं करना है। तीसरा है मार्केटिंग मार्केटिंग प्राइमरी तो यहाँ पास हमने ग्रुप क्रिएट कर लिया है। अब हम बाहर चलते हैं और यहाँ पास एम्प्लॉयज चलते हैं सेकेंड थिंग एम्प्लॉयज है हमारा सेकेंड ऑप्शन। अब यहाँ पास हम क्रिएट करते हैं एम्प्लॉय तो क्या क्या एम्प्लॉय हैं पहला है सुनील अनिल सुनील और राज तो पहला अनिल नाम से बनाते हैं अनिल लेजर अंडर है क्या है अनिल क्या है अकाउंटेंट है। डेट है 1/4/2019 डिफाइन सैलरी डिटेल नहीं है एक बार यस करके देखते हैं क्या ऑप्शन आता है इसमें। हाँ तो हमें यहाँ पास यस नहीं करना है अभी है ना क्योंकि हमको स्टेप बाय स्टेप काम करना है। चाहे तो हम यहाँ से भी इसको कर सकते हैं मगर हमें स्टेप बाय स्टेप सारे काम करना है तो इसलिए हम यहाँ पास डायरेक्टली वर्क नहीं करेंगे तो यहाँ इसको हम नहीं देने देते हैं ठीक है। उसके बाद है एम्प्लॉई एम्प्लॉई अगर उसका नंबर है तो यहाँ आप डाल सकते हैं 101 डाल सकते चलिए नंबर मैं अपने से डाल लेता हूँ। डिजिग्नेशन है तो उसको भी डाल दीजिए फंक्शन है लोकेशन है कहाँ है तो वो भी डाल सकते हैं। जेंडर है तो आप मेल फीमेल डाल सकते हैं है ना। डेट ऑफ बर्थ उसका डाल सकते हैं ब्लड ग्रुप अगर है तो यहाँ डाल दीजिए नहीं है तो छोड़ दीजिए ठीक है। फादर्स नेम है सपोज नेम है एड्रेस है ना ईमेल आईडी फ़ोन नंबर कुछ भी है अगर उसका उसको डाल दीजिए नहीं है तो छोड़ दीजिए। सेकेंड है हमारा सुनील सुनील क्या है सेल्स में है देख लेते हैं एक बार सुनील सेल्स में है राज मार्केटिंग में सुनील सेल्स ये हम मेल डाल देते हैं तीसरा है राज राज किस में है मार्केटिंग में है यहाँ यस। तो यहाँ पास हमने एम्प्लॉयज भी क्रिएट कर लिए मतलब जितने भी एम्प्लॉय हैं मैंने यहाँ पास 3 ही एम्प्लॉयज लिए हैं अगर और 3 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं तो आप जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको सभी को आप क्रिएट कर लीजिएंगे ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा नेक्स्ट क्या बोलते हैं हम बैक करके वापस आते हैं इसमें और यूनिट में चलते हैं तो और यहाँ पास सिंपल सिंपल है तो हम यहाँ ऊपर चलते हैं और यहाँ कंपाउंड कर देते हैं एक सेकेंड सॉरी हमें यहाँ पास चूँकि हमने यहाँ पास बना लिया है अकाउंटेंट अब यहाँ पास हमें यूनिट तैयार करना है तो यूनिट तीन प्रकार के होते हैं है ना पहला चारे मिनट्स और हॉर्स तो यहाँ पास हम सिंबल सिंपल ही रहने देंगे सिंबल में हम यहाँ पास डालेंगे एच आर और इसको फुल फॉर्म अगर डालना है तो आप यहाँ पास हॉर्स
ठीक है। उसके बाद यहाँ पास मिनट, यहाँ पास आप डाल सकते हैं मिनट्स। तो यहाँ पास हमारा यूनिट वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब तीसरा हम चलते हैं कंपाउंड में को वर्क करते हैं, कंपाउंड में करते हैं और यहाँ एच आर जो हॉर्स होता है कितने 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 टाइप का होता है, 60 मिनट का होता है ना। तो यहाँ पर हम मिनट तैयार करेंगे, मतलब जो घंटे होते हैं हमारे हॉर्स 60 मिनट का होता है एक घंटा, है ना। तो यहाँ पर हम बना लिए। अब उसके बाद हम चलते हैं बैक करते हैं इसको। और यहाँ पास अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप, इसे हम क्रिएट करते हैं। तो नेम में आ जाएगा एब्सेंट, अगर कोई व्यक्ति एब्सेंट होता है तो क्या होता है उसको प्राइमरी देने देते हैं। और यहाँ पास लिव विदाउट पे, इसका मतलब है कि जब भी इसको लीव देना होगा तो इन्हें पे करना होगा, अगर ये छुट्टी लेगा तो इसका पैसा कटेगा, है ना। अगर बिना लीव के अगर छुट्टी लेता है तो इसका पे कटेगा, ठीक है। और ये डेज में होगा यहाँ इनका। उसके बाद है ओवर टाइम को बनाते हैं, क्योंकि हमारे ट्रांजेक्शन में ओवर टाइम भी दिया हुआ है, ओवर टाइम है ये। तो यहाँ पास ओवर टीआई टाइम, ठीक है, इसका प्राइमरी ही रहने का। प्रोडक्शन, यहाँ प्रोडक्शन सिलेक्ट कर देते हैं। यूनिट है इसका एचआर, हॉर्स में है। नेक्स्ट है हमारा पे हेड, तो बैक करके वापस चलते हैं हम यहाँ पास। अब यहाँ पे हेड में चलते हैं, पे हेड में चलते हैं और यहाँ क्रिएट करते हैं पे हेड में। तो पे हेड में हमें क्या क्या बनाना है, यहाँ पास बेसिक, तो बेसिक और पे हेड इंफॉर्मेशन में यहाँ पास हमें अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज और फिक्स्ड, ये होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस और यस बेसिक, और यहाँ पास ऑन अटेंडेंस और यहाँ पास नॉट एप्लीकेबल अब्सेंट, और ये किस में होगा, मंथ में होगा, क्या मंथ डाल देते हैं, और एज पर कैलेंडर पीरियड। यहाँ पास होगा नॉर्मल राउंडिंग और यहाँ लिमिट दे देते हैं 1 डे। ये सारी चीज़ें अपनी कंपनी के हिसाब से हमको फिल करनी होती है, है ना। उसके बाद हम बना लेते हैं डीए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यस एस यूजर कंपाउंड एस कंप्यूटेड वैल्यू, और यहाँ मंथ ऑटोमेटिक आ गया, फिर नॉर्मल राउंडिंग है और लिमिट इसका भी 1 डाल देते हैं। अब यहाँ पास क्या करना है, ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, तो यहाँ पास ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला सेलेक्ट करना है। अभी इसके बाद यहाँ बेसिक बेसिक और हमें एंड करना है यहाँ पास, और यहाँ पास डालना है परसेंटेज, ये परसेंटेज यहाँ डालना है, यहाँ सेलेक्ट करिए कितना परसेंटेज है, डीए बेसिक 40, यहाँ 40 डाल देते हैं, यस। नेक्स्ट है ओटी ओवर टाइम,
ओटी, यहां लिख लेते हैं ओवर टाइम। अर्निंग फ्रॉम फॉर एम्प्लॉइज, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑन प्रोडक्शन, यहाँ पर ओवर टाइम, उसके बाद नॉर्मल राउंडिंग है और लिमिट है 1। नेक्स्ट है सी ए, सी ए का होता है कन्वेंस अमाउंट, ठीक है। उसके बाद इसका क्या आता है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज, फिक्स्ड, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ पास आ जाता है फ्लैट रेट, यहाँ तो फ्लैट रेट सेलेक्ट कर लेते हैं, और किसमें है फ्लैट रेट, मंथ में है, तो यहाँ पास हम मंथ सेलेक्ट करेंगे, और नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ लिमिट नहीं है इसका। अब लास्ट बनाते हैं पीएफ, तो पीएफ में 3 पीरियड होते हैं, है ना, एक जो कंपनी में डायरेक्टेड होता है और 2 जो बनते हैं वो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूटेड करते हैं, ठीक है। तो इसमें बना लेते हैं पे हेड क्रिएशन ने, है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एम्प्लॉयज बनाएंगे यहाँ पास, तो EMP, हम PF के लिए बना रहे हैं, तो 3 टाइप के होते हैं, तो उसको बना लेते हैं। एम्प्लॉई PF, PF एट द रेट 12, इसमें आता है पे हेड टाइप में एम्प्लॉय, उसके बाद अंडर में आता है करंट लाइबिलिटी, यहां पर हम अंडर करंट लाइबिलिटी सिलेक्ट करते हैं, और यस, उसके बाद है एस कंप्यूटेड वैल्यू रन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। अब यहाँ हमें सेलेक्ट करना है ऑन स्पेसिफाई फाइट फॉर्मूला, क्योंकि हमें फॉर्मूला से कैलकुलेट करना है। अब यहाँ हमें बेसिक 2 चीज़ें हैं, बेसिक सेलेक्ट किए, और 8 पे हेड फिर से सेलेक्ट करेंगे, और डी ए सेलेक्ट करेंगे यहाँ पास डी ए, ठीक है। तो डी ए सेलेक्ट कर लिए, और यहाँ इसको क्या करना है, इंटर एंड ऑफ लिस्ट। अब यहाँ पास अमाउंट अप टू अमाउंट कितना, 15,000 में 15,000, तो परसेंटेज कितना होगा 12%, अगर 15,000 है अमाउंट तो 12%। उसके बाद वैल्यू कितना हो जाएगा उसका, तो यहाँ वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, मतलब अगर किसी एम्प्लॉय का सैलरी 15,000 है तो उसका 12% कितना होगा, तो उसका 12% होता है 1,800 रुपये। आप यहाँ कैलकुलेट चाहे तो कर सकते हैं, है ना, तो 1,800 रुपये होता है। उसके बाद यहाँ बार, अगर एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी 15,000 है तो उसका डीए कितना कटेगा, 12% डीए कटेगा, तो 1,800 रुपये उसका होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं एम्प्लॉइज ईपीएस, यहाँ एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर ईपीएस,
कंट्रीब्यूशन एंड इसका परसेंटेज है 8.33%। ठीक है, तो इसको आप डाल दीजिए। अब यहाँ पास इसका क्या सिलेक्टेड होगा, और यहाँ पास पीएफ अकाउंट नंबर, ये इनडायरेक्ट और इसका क्या नॉट एप्लीकेबल है, ऑन स्पेसिफाई फॉर्मूला, इसमें भी बेसिक हेड डीए भी हमें करना है, तो डीए किए। अब एंड ऑफ लिस्ट अमाउंट अगर 15,000 है तो परसेंटेज होगा इसका कितना होगा, 8.33%। ठीक है, तो और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अमाउंट कितना हो जाएगा, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, अगर 15,000 में 8.33% से कैलकुलेट करेंगे तो इसका होगा 1249.50 रुपये। आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, है ना। उसके बाद मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। नेक्स्ट थर्ड है EMPLOYER एम्प्लॉयर EPF कंट्रीब्यूशन@3.67%। उससे इसमें आएगा कंट्रीब्यूशन है, ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला है, हेड पे हेड हो जाएगा इसका, तो यहाँ पास एम्प्लॉई डायरेक्टरी इसको सिलेक्ट कर लेते हैं एंड हेड पे हेड। अब यहाँ एंड ऑफ लिस्ट, यहाँ परसेंटेज सेलेक्ट करते हैं और यहाँ 100% डाल देते हैं और इसको सेव। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारी क्या पे हेड कम्प्लीट हो गया, यहाँ पर हमने पे हेड कम्प्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं सैलरी डिटेल के बारे में। अब यहाँ हम एम्प्लॉय जितना भी बनाए हैं, अब यहाँ हम सैलरी उसकी डिटेल डालेंगे, तो यहाँ पर डिफाइन करेंगे। और सबसे पहले मैं अनिल है तो अनिल को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, इसका 1/4/2019 बेसिक सैलरी इसकी कितना है, 15,000। ठीक है, और इसका डीए है तो डीए सिलेक्ट कर लेते हैं, कितना है डीए, कितना देना है ये उसमें कट गया। ठीक है, और इसके बाद है ओवर टाइम ओटी, तो ओटी सेलेक्ट कर लेते हैं, ओटी कितना है इसका देख लेते हैं, ओवर टाइम ओटी है 225 रुपये, तो यहाँ 225 रुपये पर आवर। ठीक है, उसके बाद है सीए, इसका कितना है रेट, सीए 222 रुपये, 2200। उसके बाद है एम्प्लॉय पे, उसके बाद नेक्स्ट ये
यहाँ पास तीनों अब उसके यस कर दें। सेकंड है हमारा अनिल के बाद है सुनील, तो सुनील में चलते हैं। तो 1/4/2019 सेलेक्ट कर लिए। बेसिक कितना है इसके बेसिक सुनील का बेसिक है 12,000 और ओवर टाइम 200 रुपये। और डीए उसके बाद ओटी ओवर टाइम 200 रुपये पर हाउस। और उसके बाद है सीए, सीए कितना है इसका देख लेते हैं। सीए है 2,000 रुपये। उसके बाद है एम्प्लॉय 12%, फिर ये, फिर एंड ऑफ लिस्ट। तीसरा हमारा है राज, तो इसको भी 1/4/2019 ठीक है, 1/4/2019 पे हेड डाल दिए इसको। बेसिक कितना है रेट देख लेते हैं, इसका बेसिक कितना है 6,500। डीए और ओटी, ओटी कितना है देख लेते हैं इसको। 175 रुपये ओवर टाइम और सीए 2,500, तो 175 रुपये प्रति हाउस और सीए है 2,500। ये तो यहाँ पर हमारे एम्प्लॉय का डिटेल पूरा कंप्लीट ठीक है। अब हम बैक करके पीछे आ जाते हैं। अब यहाँ पास पे हेड में आ जाते हैं। अब पे हेड में क्रिएट, तो यहाँ पास आ जाते हैं सैलरी। और यहाँ नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं इसको। और यहाँ अंडर में करंट लाइबिलिटी ठीक है, और उसको फिर सेकंड है हमारा पीएफ, और यहाँ नॉट एप्लीकेबल और इसको करंट लाइबिलिटी। अब यहाँ पास हम इसको बैक कर लेते हैं और यहाँ पास वाउचर टाइप में जाएंगे और यहाँ अल्टर और यहाँ पे रोल। यहाँ नेम में डालेंगे सैलरी, टेबल इंटर एंड ऑफ लिस्ट, फिर से एंड ऑफ लिस्ट
यहाँ लेजर क्रिएट करेंगे सैलरी पेवर, सैलरी पेवर, ठीक है। उसके बाद है सेकंड बनाएंगे पीएफ पेवर, पीएफ पीएफ पेवर, एंड ऑफ लिस्ट, एंड ऑफ लिस्ट, और यहाँ पर पीएफ पेवर। और इसे अब यहाँ पर हमारे ट्रांजेक्शन कंप्लीट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में। पास द अटेंडेंस एंट्री ऑन 1/12/2017 विजय एंड सत्यम। यहाँ मैं विजय बनाया है तो यहाँ मैं नाम चेंज कर देता हूँ अनिल, सत्यम बना है तो इसको मैं राज कर देता हूँ राज। ठीक है, यहाँ मैं 19 डाल देता हूँ। सत्ताईस 28 डे एंड इसको मैं सुनील कर देता हूँ। सुनील एंड अनिल, ठीक है। यहाँ पास क्या बोल रहा है इस प्रश्न में, पास द अटेंडेंस एंट्री 1/12/2019 अनिल एंड राज वॉज प्रेजेंट 27/28, ठीक है, डे एंड सुनील एंड अनिल डन ओवर टाइम 155 मिनट्स एंड 220 मिनट्स, ठीक है। तो इस प्रश्न में हमें अटेंडेंस चढ़ाना है। इसमें हमें यह देखना है कि महीने 30 दिन का था या 31 दिन का था। तो यह बिल है 1/12/2019 का, तो हमें नवंबर 2019 का बनाना है। तो नवंबर 30 दिन का होता है, तो इसमें विजय 27 दिन प्रेजेंट है था और सत्यम विजय बोल रहा हूँ अनिल 30 दिन प्रेजेंट था और राज 28 दिन प्रेजेंट था। तो इसके लिए गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे वापस, तो गेटवे ऑफ टैली में वापस आ गए और यहाँ पर अकाउंट्स, अकाउंट इन्फो में जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे यहाँ, और यहाँ पर कंट्रोल प्लस F5 करेंगे, ये तो यहाँ अटेंडेंस का आ गया। कंट्रोल प्लस F5 किया मैं अकाउंटिंग वाउचर में आके। अब यहाँ पर हमें F2, पहले डेट हमें चेंज करना है तो F2 प्रेस करेंगे। यहाँ पर कब का डालना है, 1/12/2019, ठीक है, 1/12/2019। अब यहाँ पर अनिल, अनिल, ठीक है, तो 3 डेज यहाँ पास हो जाएगा, 27 दिन है तो 3 दिन सॉरी, अनिल अब्सेंट कितना दिन, 3 डेज, यहाँ 3 डालेंगे। और उसके बाद है राज,
एबसेंट कितना, 2 डेज। उसके बाद है यहाँ पास सुनील, तो सुनील ओवर टाइम है। अब यहाँ पास ओवर टाइम है उसने किया, वर्क कितना, 235 HR। ठीक है, हॉर्स में किया है। उसके बाद है अनिल, ओवर टाइम है इसका, और कितना किया है ये, 340 hours। दो सौ चालीस होगा, 340, तो 340। ठीक, अब यहाँ पास देख लीजिए आप, तो इस टाइप से हमने यहाँ पास अटेंडेंस भी चढ़ा दिया उसका, और इससे हम इससे इसके बाद हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ऑन 19 पास सैलरी ड्यू प्रोसेसिंग एंट्री एंड पीएफ पेबल। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, इस प्रश्न में सैलरी ड्यू करना है, मतलब देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस आते हैं गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली में आते हैं, यहाँ पास अकाउंटिंग होम में चलते हैं और कंट्रोल प्लस F5 फिर से प्रेस करते हैं। वाउचर बनाने की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F5। अब यहाँ पर इसके बाद अटेंडेंस ओपन हो जाएगा, इसके बाद हमें कंट्रोल प्लस F4 प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस F4। तो यहाँ पर हमें पेरोल का एक ऑप्शन आ रहा है और यहाँ क्लास दे रहा है, तो हमें यहाँ पर सैलरी पेबल सैलरी देना है, ड्यू करना है। ठीक है, यहाँ पास फिल करने के लिए की शॉर्टकट की है अल्ट प्लस ए, अगर हमें कुछ फिल करना है तो अल्ट के साथ ए प्रेस करेंगे, और यहाँ पास पेरोल है, सैलरी पेबल है, और यहाँ पास है सैलरी, तो हमें सैलरी देना है, यहाँ सैलरी से सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पास डेट डालना है, तो 1/12/2019 से 31/12/2019। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पास प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी ऑल और सैलरी सॉर्ट बाय एम्प्लॉयज नेम। ठीक है, एम्प्लॉयज नेम, तो यहाँ आपका पूरा उसका डिटेल दिख जाएगा आपको यहाँ पास। ठीक, इसी प्रकार से हमें इसको सेव कर देना है, और यहाँ पास पीएफ का भी पेमेंट करना है, तो कंट्रोल F4 प्रेस करेंगे यहाँ पास, और पीएफ का भी हम सैलरी पेबल के पीएफ का पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पास क्या डालेंगे, तो वाउचर टाइप, तो कंट्रोल प्लस F4 पीएफ पेबल, ऑटो फिल करने के लिए यहाँ पास अल्ट प्लस ए प्रेस करेंगे यहाँ पास, और यहाँ पास बेसिक सॉरी मिस्टेक हुआ था कुछ, अकाउंट में आए कंट्रोल प्लस F5 प्रेस किए, और उसके बाद यहाँ पास कंट्रोल प्लस F4 प्रेस करेंगे,
और यहाँ पास पीएफ पेबल करेंगे। और यहाँ पास पीएफ पेबल करने के बाद ऑटो फिल करेंगे, तो अल्ट प्लस ए प्रेस करेंगे यहाँ पास, है ना। तो यहाँ पास अल्ट प्लस ए प्रेस करना था। और यहाँ पास हमें क्या करना है, पीएफ देना है ना। तो पीएफ कंट्रीब्यूशन, तो यहाँ पास पीएफ कंट्रीब्यूशन, और यहाँ पर डेट रहेगा, बाकी सेम रहेगा। और यहाँ यस, तो यहाँ पास हमने पीएफ भी पे कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ है। अब लास्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, यहाँ भी 19 डाल देते हैं, सॉरी 20 डाल देते हैं, नेक्स्ट ईयर का है। तो 1/1/2020 सैलरी अमाउंट पेड बाय चेक, अब यहाँ पर सैलरी अमाउंट चेक के द्वारा दे रहा है, ठीक है। तो इस प्रश्न में सैलरी पेड करना है तो चेक के द्वारा, तो हमें पेमेंट करना हुआ, तो हम चलते हैं टैली में, सॉरी पेमेंट में। तो यहाँ पास पेमेंट में हमें, तो पेमेंट का शॉर्टकट क्या है, F5, हम पेमेंट में ही हैं। तो पेमेंट वाउचर ओपन करने के लिए के बाद हमें क्या करना है, ऑटो फिल करना है। तो अल्ट के साथ ए प्रेस करेंगे तो यहाँ पास पेमेंट ऑटो फिल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास हमें सैलरी पेमेंट करना है, सैलरी पेमेंट है और ये डेट है दिया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पास कुछ नहीं करना है। ऑल आइटम, और उसके बाद पे लेजर क्या देना है, सैलरी, और यहाँ कैश देना है कि एक्सिस बैंक से देना है। तो यहाँ पास तो लेजर बना लेते हैं, अल्ट सी प्रेस करके एक्सिस बैंक, और ये बैंक अकाउंट में आ जाता है ना, चेक के द्वारा बोल रहे हैं। यहाँ एक्सिस बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं, नो ही देने देते हैं, और यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पास चेक नंबर हमें डालना पड़ेगा, तो 6 अंक का चेक नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा चेक कंप्लीट। तो दोस्तों यहाँ पास हमने आज आपको अच्छे से बताया कि कैसे हमें एम्प्लॉयज़ की पेरोल बनाना है, और उसको कैसे एंट्री करना है, उसको कैसे कैसे काटना है, ये सब चीज़ की जानकारी दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा समझ में आया होगा, है ना। तो अगर आपको अच्छा समझ में आया और नहीं भी आया तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।